हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। और आज आपके साथ बहुत ही बेहतरीन मैं आपके साथ पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सेव की नमकीन ली है, जिसको रफली हाथों से क्रश कर लिया है। और यहीं पे कुछ हम बूंदी ऐड कर लेंगे। इसके पराठे बहुत ही टेस्टी होते, यकीन मानिए। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, सबको ये बहुत अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप बच्चों को स्कूल के लिए इस तरीके से स्टफ़ पराठा आप बना के दे सकते हैं। इसका हस्बैंड को ऑफिस में लंच में आप दे सकते हैं, और कभी भी आप बना सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए, आप उनको बना के खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये पराठे होते हैं, जिसमें मैंने बूंदी और सेव की नमकीन को हाथों से क्रश कर लिया था। प्याज डाल दिया है, लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और पनीर डाल दिया जिसको रफली चॉप किया था, हरा धनिया। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग पे मसाले मिला लेंगे। जैसे मैंने भुना हुआ अजवाइन जीरा मिला दिया है, चाट मसाला मिला दिया है, हल्दी मिला दिया है, और धनिया मिला दिया है। आप यहाँ पे ना वो भी डाल सकते हैं, ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब डाल सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही हेल्दी हमारा पराठा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, यकीन मानिए। ये इतना टेस्टी था, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये पराठा लाजवाब बनके तैयार हुआ था। एक बार इस तरीके से स्टफ़ पराठा बना के देखिएगा, नमकीन का इतना टेस्टी बनता है दोस्तों कि मानिए बहुत टेस्टी। और अभी मैंने नमक नहीं मिलाया, नमक जब मैं बनाना शुरू करूँगी पराठे तब ऐड करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने मसाले मिलाने के बाद मैंने 10 मिनट इसको रेस्ट पे रख दिया था। जब मैंने पराठे बनाना स्टार्ट किया तब मैंने नमक मिलाया है, क्योंकि वो पानी छोड़ेगा नमक डालते ही, क्योंकि उसमें प्याज भी है, इसलिए मैंने वो बनाने से पहले ही नमक डाला है। और नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि नमकीन में भी हमारा नमक होता है, इसलिए। और अब यहाँ पे मैंने एक लोई ली जिसको बेल लिया, और चारों तरफ घी को इस तरीके से स्प्रेड कर लिया, और यहाँ पे हमारा जो स्टफिंग है उसको डाल देंगे इस तरीके से। देखिए कितना टेस्टी ये लग रहा है। इसमें बूंदी है, सेव की नमकीन है, पनीर है, हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है पराठा, बिल्कुल बनके तैयार है दोस्तों। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको ये पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को जितना हो सके उतना शेयर कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे तवा चढ़ा दिया था, तवा गर्म होते ही मेरा उसमें पहले ही थोड़ा इस तरीके से। और जब ये पराठा एक तरीके से सिक जाएगा पीछे की साइड से, फिर हम इसको पलट देंगे। और ये देखिए एक तरीके से सिक चुका है पीछे से, कितना अच्छा इसका कलर आया है। यहाँ पे हम इसको, आप फिर जो भी तेल का यूज़ करना चाहते हैं, घी तेल, सरसों का, रिफाइंड का, ऑलिव ऑयल, जो भी आप खाते हैं आप वो तेल यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पराठे बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में दे सकते हैं, हस्बैंड को आप ऑफिस के लिए दे सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाए उनको बना के आप खिला सकते हैं। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी ये पराठा बन के तैयार हुआ था। ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हमारा पराठा दोनों तरफ से कितना अच्छा सिक चुका है। बस इस तरीके से मैंने इसमें घी लगा लिया है, और आगे पीछे देखिए कितना अच्छा हमारा इसका कलर आया, और कितना अच्छा ये टेस्टी पराठा लग रहा है देखने में ही। ना खाने में ये और भी टेस्टी था दोस्तों। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से पराठे बनाने का। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, ये तरीका अच्छा लगा हो पराठे का, बिल्कुल नया तरीका लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा, और ये रेसिपी को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बनके तैयार है। ऐसे ही हमने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है, बेल लिया है, और यहाँ पे हमने डाल दिया इस तरीके से। बस जब पीछे से एक तरीके से सिक जाए, इसको पलट के हम यहाँ पे जो भी तेल आप खाते हैं लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं इस तरीके से। इसको स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ, ऐसे ही हम इसको पलट पलट के सेक लेंगे। और ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बन ना डिलीशियस, बिल्कुल शानदार। जब आप सेटिस्फेक्शन मिलेगी होगी कि मतलब कितना अच्छा आपने ये बनाया, और बच्चे तो इतने खुश होके खा लेते हैं ना। फिर आप इन पराठों को चाहे आप सॉस, दही, ग्रीन चटनी, या जो इमली की खट्टी मिट्टी चटनी होती है उसके साथ खाएंगे ना, तो हाँ इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अभी मेरे पास नहीं था, अभी मेरे पास सॉस बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और इमली की खट्टी मीठी जो चटनी होती है उसके साथ खाएंगे तो आप देखिएगा इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ये देखिए हमारे पराठे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने गोल। इसकी स्टफिंग देखिए, कहीं से पराठा हमारा कहीं से भी ये फटा नहीं है, और इसके और अच्छे से सिका है, और स्टफिंग भी हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी भर दिया है उसमें। बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता था। एक बार इस तरीके से आप भी बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, देखिएगा सब इतने अच्छे से खाएंगे ना, आपको बोलेंगे दोबारा बनाने के लिए ये वाला पराठा। एक बार बना के देखिएगा,
और मैं आपको ये बीच में से हटा के दिखा रही हूँ कि इसके अंदर का देखो किस तरीके से था। चारों तरफ ये देखिए इसकी स्टफिंग, बिल्कुल शानदार ये पराठा हमारा बनके तैयार हुआ था दोस्तों। एक बार ज़रूर आप भी बना के देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।